हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज मैं आपको जिस मामले की जानकारी देने वाला हूं उस पर बिल्कुल हाल ही में अभी लेटेस्ट जजमेंट आया है, केवल 2 दिन पहले। दोस्तों आज जिस मामले की मैं आपको जानकारी देने वाला हूं ये जजमेंट बिल्कुल नया है, बिल्कुल लेटेस्ट है। 6 मई 2021 को ये जजमेंट आया है और आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है और साथ ही साथ इस जजमेंट से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में भी जब भी मैं ऐसी कोई लेटेस्ट रूलिंग आपके लिए लेकर के आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मामला ऐसा था कि 2005 में शादी हुई थी कि पत्नी की जो मदर थी उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई। 2005 में उन्होंने बेटी की शादी की थी और बेटी की शादी में उनके अनुसार उन्होंने अच्छा गोल्ड वगैरह और 3 लाख रुपए कैश भी दिया था। इसके बाद हस्बैंड और वाइफ के संसर्ग से एक बेटा और एक बेटी का जन्म हुआ। 1 साल तक सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा था। अब दोस्तों जो हस्बैंड था वो वाइफ की मदर को इंसिस्ट करता था कि भाई ऐसा है आप अपना घर बेच दो और जो आपका घर बेच करके पैसा आएगा उससे मैं 3 मंजिला मकान बनाऊंगा। उनकी शिकायत के अनुसार वो ऐसा कहता था। अब कुछ समय तक तो उन्होंने मना किया, फिर परेशान होकर के उन्होंने वो घर बेच दिया और जो उससे 18 लाख रुपए आए उसकी एक एफडी बना दी। इसके अलावा वो अपनी बेटी को टाइम टू टाइम घर के खर्चे के लिए हेल्प के रूप में कुछ ना कुछ पैसे देती रहती थी। अब दोस्तों इसमें यह भी था कि जो पति था वो पत्नी को रोज टॉर्चर करता रहता था और उसके यहाँ जब बेटी हुई तो बेटी को लेकर के वो उसे इल ट्रीट करता था, ताने देता था कि भाई आपने लड़की को जन्म दिया है। अब दोस्तों एक दिन लड़की ने अपनी माताजी को फोन किया और बताया कि वो पिछले 4 दिन से काम पर नहीं गए हैं, उसकी पिटाई कर रहे हैं, उसके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं और आज वो व्हाइट कलर के कपड़े में लपेट कर कुछ लाए हैं, मुझे डर लग रहा है, और इसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। और जब लड़की की माँ ने अपने सन इन लॉ को कॉल किया तो उसने कहा मैंने उसको सबक सिखा दिया है और ऐसा कह करके उसने फोन काट दिया। अब दोस्तों लड़की की जो मदर थी वो अपनी किसी जानने वाले को साथ में लेकर के तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। जब वहां पहुंची तो देखा जो बेटी के घर का दरवाजा था वो खुला हुआ पड़ा है, तो फटाफट अंदर गई। अंदर जाकर के उन्होंने देखा कि बेटी फर्श पर पड़ी है और उसके जगह जगह इंजरीज हो रखी है, खून बह रहा है। और जब उन्होंने चेक किया तो पता चला कि जो लड़की है उसकी मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों तुरंत पुलिस को सूचित किया गया, पुलिस आई। पुलिस ने 498A 302 34 504 506 और 3/4 DP एक्ट में मामला दर्ज किया। अब दोस्तों स्टार्ट हुआ ट्रायल और लोअर कोर्ट ने इस पूरे मामले में हस्बैंड को सजा कर दी, कन्विक्शन कर दिया, जिसके लिए उसने जो अपील है वो हाई कोर्ट में डाली। हस्बैंड ने दोस्तों अपना पक्ष रखा, उसने ये कहा कि मेरी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था जिससे कि मैं परेशान था और उस दिन जब मैं घर पे गया तो वो बैठ करके टीवी देख रही थी, मैं उसको मारना नहीं चाहता था, मैंने उसको केवल इतना कहा कि अन्य मर्दों के साथ फोन पर बात मत किया करो और इसके बाद वो गुस्सा हो गई और उसने मुझे गुस्से में तिलमिलाते हुए ये कहा कि अगर तू अपनी बाप की औलाद है तो मेरे को मार दे, और आवेश में आकर के उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। आगे जो हस्बैंड के वकील साहब थे उन्होंने कहा इसलिए 302 का अपराध नहीं बनता है, ये उकसाया गया, उकसाने के बाद ये सारी चीजें हुई तो इसमें 304A बनना चाहिए। फाइनली जो हाईकोर्ट था, हाईकोर्ट ने पूरा मामला वकील साहब से भी सुना और इसके साथ साथ जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड थे वो सारे उनकी बहुत गहन जांच की गई, कई सारे जो पुराने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स थे उन सबको देखा गया और उन सब चीजों का विश्लेषण करने के बाद हाईकोर्ट इस नतीजे में पहुंची कि कहीं से भी ये साबित नहीं होता कि पति के रिश्तेदारों के द्वारा क्रूरता की गई है, गाली गलौच या धमकी दी गई है, तो 498A 504 और 506 से उसको मुक्त कर दिया गया और 302 की जगह 304A में उसको सजा की गई और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 में भी उसकी सजा को बरकरार रखा गया। यानी कि कोर्ट बहुत सोच समझ के चलती है, जो चीज साबित हुई उसमें सजा को रखा गया, जो चीज साबित नहीं हुई उसमें से सजा को खत्म कर दिया गया। तो दोस्तों ये एक जजमेंट है, इससे बहुत बड़ी सीख हमको मिलती है कि हमें आवेश में आकर कोई काम नहीं करने चाहिए और पति पत्नी दोनों का जो संबंध होता है जब उसमें मनमुटाव होते हैं तो वो मनमुटाव कई बार इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए आप लोगों को समझने की जरूरत है कि आप लोगों के मामले इस लेवल तक ना पहुंचे, उसको पहले निपटा लीजिए। अगर आप लोगों की आपस में नहीं बन रही है तो एमिकेबल वे में अलग हो जाइए, बिना मतलब मुकदमेबाजी में पड़ने का कोई भी फायदा किसी को भी नहीं मिलता है। तो सभी का फायदा इसी में, या तो प्रेम पूर्वक रहिए और यदि आप नहीं रह सकते हैं तो प्रेम पूर्वक अलग हो जाइए। दोस्तों आप लोगों की हेल्प के लिए इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अगर किसी का सेम मामला हो तो वो उसमें यूज करके उसका लाभ उठा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।